हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश कुमार शर्मा, HM, पोस्टेड एट GUPS मीनू की झोंपड़िया, PO बनेठा, ब्लॉक उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक, राजस्थान। प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 कैपिटल लेटर्स और 26 स्मॉल लेटर्स होते हैं। इनको लिखने से पहले कुछ लाइंस और स्ट्रोक्स का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। तो आइए अपनी नोटबुक, पेंसिल और इरेजर निकालिए और मेरे साथ इन स्ट्रोक्स और लाइंस का अभ्यास कीजिए। सबसे पहले इस तरह से आप सीधी खड़ी रेखा खींचिए, इसको हम वर्टिकल लाइंस या स्टैंडिंग अप लाइंस कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरह से सीधी खड़ी रेखा खींचिए। इसके बाद दूसरी जो है RD लाइन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइंस कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरह से RD रेखा खींचिए। इसके बाद कुछ लाइनें तिरछी रेखा होती है, इस तरह से आप देखेंगे कि ये तिरछी रेखा है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से। इसको स्लैश भी कहते हैं या राइट स्लैंटिंग लाइन भी कहते हैं। अब इसका उल्टा आप इस तरह से बनाएंगे, ये बैक स्लैश है, या इसको हम लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह की तिरछी रेखाएं आप खींचने का अभ्यास करें। इसके बाद कुछ कर्व है, तो आप इस तरह से, इसको हम स्थानीय भाषा में आधा गोला कह सकते हैं। तो इस तरह से आप कर्व बनाइए, तो ये फॉरवर्ड कर्व हम कह सकते हैं इसको। आप अपनी नोटबुक में इस तरह से फॉरवर्ड कर्व बनाइए। अब दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा, जिसको हम आधा गोला कह सकते हैं स्थानीय भाषा में, इसको बैकवर्ड कर्व या लेफ्ट कर्व, इस तरह से आप खींचिए बैकवर्ड कर्व। इसके बाद में आप इस तरह से बिल्कुल गोल चूड़ी की तरह बनाइए, तो इसको हम सर्कल कहेंगे। आप इस तरह से अपनी कॉपी में बिल्कुल गोल वृत्त बनाइए, सर्कल इस तरह से आप बना लीजिए। बार बार आप अभ्यास करेंगे तो गोलाई धीरे धीरे अच्छी आएगी। इस तरह से आप इन आकृतियों का अभ्यास करने के बाद में अब आते हैं हम कैपिटल लेटर्स पे। जैसा बच्चों आप देख रहे हो, पहला कैपिटल लेटर है A। तो इसको लिखने के लिए इस तरह से हम जो तिरछी रेखा हमने सीखी थी, स्लैश खींचा, फिर ये अपने बैक स्लैश खींचा, और इन दोनों को हमने RD लाइन से मिला दिया। इस तरह से ये पहला लेटर A, A फॉर एप्पल, और ऊपर लिखा हुआ है एप्पल, इसमें ए की साउंड आ रही है। नेक्स्ट जो लेटर है वो है कैपिटल B। इसको लिखने के लिए वो सीधी खड़ी रेखा खींचिए, फिर इसके बाद में इस तरह से कर्व बनाइए, और इसके बाद में एक कर्व और बना दीजिए। इस तरह से ये हो गया B, B फॉर बॉल, और इससे बैक की साउंड आ रही है। तीसरा लेटर कैपिटल C, इसके लिए हमें वो एक कर्व बनाना है, लेकिन ये कर्व थोड़ा बड़ा होगा और सर्किल होने में थोड़ा सा ही कम रहेगा। इस तरह से कैपिटल C, C फॉर कैट, और इससे कैट की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल D, वो सीधी खड़ी रेखा खींचिए, बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा इस तरह से आप खींचिए, और जो हमने
कारो देखा था बैकवर्ड कारो, वो इस तरह से आप कारो बना दीजिए और ये कैपिटल डी, डी फॉर डॉग, और इसे डैग की आवाज़ आ रही है। अगला लेटर है कैपिटल ई, इसके लिए आप बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा खींचिए, उसके बाद में तीन आडी लाइन खींचिए, पहले ऊपर फिर बीच में और फिर सबसे नीचे, इस तरह से ये कैपिटल ई हो गया, ई फॉर एलिफेंट, और इससे एक की साउंड आ रही है। उसके बाद में अगला जो लेटर है वो है कैपिटल एफ, सीधी खड़ी रेखा खींचिए, उसके बाद में जैसे ई में हमने खींची थी वो आड़ी लाइन, इसमें दो ही होगी, एक ऊपर और एक बीच में, इस तरह से कैपिटल एफ लिख दिया। और एफ फॉर फेस, इससे फ की साउंड आ रही है। अगला लेटर है कैपिटल जी, इसके लिए हम पहले वही सी की तरह है, सी की तरह अपन कर्व बनाएंगे गोल घुमा करके इस तरह से, फिर उसके बाद में थोड़ी सी सीधी लाइन ऊपर ले जाएंगे और फिर आड़ी लाइन अंदर की तरफ कर देंगे, तो इस तरह से जी फॉर गर्ल, और गर्ल से यहाँ पे क्या आवाज़ आई, गर्ल से आई ग, ग की साउंड आ रही है। इसके बाद में अगला है कैपिटल एच, इस तरह से आप सीधी लाइन खींचिए, फिर एक और सीधी लाइन खींच दीजिए, दोनों को आड़ी लाइन से मिला दीजिए, इस तरह से कैपिटल एच हो गया, एच फॉर हैंड, और इससे है की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल आई, इसमें आप बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन खींच दीजिए, आई फॉर इंकपॉट, और इससे ई की साउंड आ रही है। तो बच्चों साउंड साथ में सीखने से हमें समझ मजबूत होगी कि किस लेटर से कौन सी साउंड आती है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल जे, इसको हम सीधा खड़ी लाइन और इसको अपवर्ड कर्व इस तरह से बना देंगे, छोटा सा कर्व ऊपर की ओर चल जाएगा, जे फॉर जग, और इससे जै की साउंड आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल के, इसमें बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा खींचिए, फिर ये जो स्लेस है वो बनाइए और ये बैक स्लेस बना दीजिए तिरछी रेखा से, इस तरह से के फॉर काइट, और काइट से के की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल एल, इसमें आप खड़ी रेखा और आड़ी रेखा इस तरह से खींच दीजिए, कैपिटल एल बन गया, एल फॉर लॉयन, और लॉयन में लैक की साउंड आ रही है। अगला लेटर है कैपिटल एम, इसमें आप खड़ी रेखा सीधी खड़ी रेखा खींचिए, फिर यही वो स्लेंटिंग लाइन, ये भी स्लेंटिंग लाइन, और फिर ये सीधी रेखा, इस तरह से एम फॉर मंकी, मंकी से मैं की साउंड आ रही है। इसके बाद में एन फॉर नेक्स्ट कैपिटल एन, इसके लिए पहले खड़ी रेखा खींचिए, ये तिरछी रेखा खींचिए, फिर खड़ी रेखा खींचिए, इस तरह से एन फॉर नेक्स्ट, और यहाँ से नेक की साउंड आ रही है। अगला लेटर है कैपिटल ओ, इसके लिए हम सर्कल बनाएंगे, इस तरह से सर्कल बना दिया, ओ फॉर ऑरेंज, और ये आ की आवाज़ आ रही है इससे। अगला लेटर है पी, कैपिटल पी, सीधी खड़ी लाइन, फिर इसमें वो एक बैकवर्ड कर्व बना दीजिए, इस तरह से पी फॉर पैरट, और पैरट से पै की साउंड आ रही है। नेक्स्ट लेटर है क्यू फॉर क्वीन, तो देखिए इसमें वही आप सर्कल बनाइए और इस तरह से छोटा सा स्लैश हम लगा देंगे, और इस तरह से क्यू फॉर क्वीन, क्वीन यहाँ पे
क की साउंड आ रही है, आधे क की, इसके बाद में कैपिटल आर, इसमें सीधी खड़ी रेखा खींची, फिर हमने वही कर्व बनाया और ये तिरछी लाइन खींच दी, आर फॉर रोज, और इससे र की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल एस, तो इसमें अपन वही कर्व बनेगा, पहले ऐसे सीधा कर्व, फिर उल्टा कर्व, और ये जैसे सांप या बत्तख की तरह हो गया। एस फॉर शिप, शिप में से की साउंड आ रही है। इसके बाद कैपिटल टी, वो आडी लाइन और ये खड़ी लाइन, और इसमें टी फॉर टाइगर, टैक की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल यू, इसमें आप सीधी लाइन खींचिए, फिर थोड़ा कर्व बनाइए, फिर ऊपर सीधी लाइन ले जाइए, ये हो गया यू फॉर अम्ब्रेला। इसमें एक की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल वी, इसमें आप वो तिरछी रेखा पहले बाएं से दाएं, फिर इसको ऊपर ले जाएं, इस तरह से दो तिरछी रेखाओं से कैपिटल वी लिख गया। और वी फॉर ये वैन, और व की साउंड आ रही है। इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू, इसमें आप जैसे हमने वी बनाया था तिरछी रेखाओं से, एक बार वी बना दिया, फिर इसके बाद एक और वी इसके साथ में बना दिया, तो कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, यहाँ पे व की साउंड आ रही है। इसके बाद में अगला लेटर है कैपिटल एक्स, इसमें आप वो तिरछी रेखा खींचिए और एक अपना स्लैश उल्टा खींच दीजिए, इस तरह से दोनों तिरछी रेखाएं कट गई, तो एक्स बन गया, और एक्स फॉर एक्सरे, और यहाँ पर एक्स की साउंड आ रही है। अगला वर्ड है, लेटर है कैपिटल वाई, इसमें वो वी की तरह हम बनाएंगे पहले, और फिर सीधी खड़ी रेखा खींच देंगे, तो ये हो गया वाई फॉर याट। इसको कई लोग याच बोलते हैं, लेकिन शुद्ध जो उच्चारण है इसका वो है याट, इसमें ये की साउंड आ रही है। इसके बाद कैपिटल जेड, जो अंतिम लेटर है अपना जेड, इसमें पहले आडी लाइन खींचिए, फिर तिरछी रेखा, फिर ये आडी लाइन, इस तरह से कैपिटल जेड, जेड फॉर जेब्रा, और जेब्रा में ज की यहाँ पे साउंड आ रही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने ऐसे जेड तक सीखा। थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू अगेन।